तो गाइस कल एक न्यूज निकल के आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि पबजी मोबाइल अब इंडिया में हमेशा के लिए बैन हो चुका है। तो ये बात एकदम सही है, ऑफिशियल न्यूज है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है यार। तो इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। आप एकदम जो टेंशन से भरे हो गए ना कि यार पबजी मोबाइल अब नहीं आने वाला, इंडिया में नहीं आने वाला, तो बस इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। जो भी आप सोच रहे हो ना वो पूरी बात नहीं है। तो इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, क्योंकि यार वो भी टेंशन ले रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे अब तो यार पबजी मोबाइल नहीं आने वाला। तो यार बस इस वीडियो को उनको तक ही शेयर कर देना, ठीक है? आप लोगों का बस इतना ही काम है। और इस वीडियो को कम से कम यार 10 लाइक कर दो, क्योंकि मैं जो लाइक हम रखता हूँ तुम लोग नहीं कम्प्लीट करते हो। बस तुम इस वीडियो में 10 लाइक कर दो, वही मेरे लिए काफी है, ठीक है? तो चलो यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज्यादा पकाते नहीं है। तो गाइस कल एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई थी जो कि बहुत ही बकवास थी, जिसमें बताया गया था कि पबजी मोबाइल इंडिया में अब हमेशा के लिए बैन रहने वाला है। तो हाँ यार वो हमेशा के लिए बैन रहने वाला है, और ये जो न्यूज है वो एकदम ऑफिशियल है, किसी ने ऐसे ही बना के नहीं डाली है। लेकिन अब पूरी बात आप जान लो क्या है। देखो पबजी मोबाइल तो यार इंडिया में बैन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो पबजी मोबाइल है उनका टेंशन से लिंक है। और जो ग्लोबल वाला वर्जन है ना पबजी मोबाइल, जो हम लोग अभी खेलते थे, जो बैन हो चुका था, वो इंडिया में बैन रहेगा, उसको यार अनबैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो टेंशन से लिंक है। और जब तक कि पबजी मोबाइल और टेंशन का लिंक रहेगा तो पबजी मोबाइल इंडिया में हमेशा के लिए बैन रहेगा। तो गाइस आप लोग बहुत यूट्यूबर लोग की वीडियो देखते होंगे, यहाँ तक कि मेरी भी वीडियो देखते होंगे, हम लोग गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन होगा। तो कैसे होगा? तो देखो यार पबजी मोबाइल जो ग्लोबल वाला वर्जन है ना वो इंडिया में हमेशा के लिए बैन होगा, माना बैन होने वाला है। लेकिन यार पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन रिलीज हो रहा है, ठीक है? इंडियन वर्जन और ग्लोबल वर्जन में बहुत अंतर है, तो वो इंडियन वर्जन आएगा। तो चलो यार मैं आप लोगों को एकदम सिंपल सा बता देता हूँ, जो पबजी मोबाइल है ना वो चाइना में बैन है, लेकिन चाइना के लिए अलग से पबजी मोबाइल का अलग वर्जन आया है, जो कि गेम्स फॉर पीस के नाम से जाना जाता है, वो चाइना में प्ले किया जाता है, क्योंकि यार पबजी मोबाइल तो बैन है वहाँ, तो उसके लिए अलग से एक वर्जन निकाला गया खास चाइना लोगों के लिए। तो वैसे ही पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो चुका है और इंडिया के लिए एक न्यू वर्जन आएगा जो कि जियो और पबजी मोबाइल मिलकर बनाने वाले हैं, और ये बहुत ही जल्दी आने वाला है। सब लोग तो कह रहे हैं अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर तक ही आ जाएगा, तो समझ लो एक न्यू गेम आने वाला है, पबजी मोबाइल नहीं आने वाला। जो पबजी मोबाइल ग्लोबल वाला जो बैन हो चुका है वो नहीं आएगा इंडिया में, एक न्यू गेम आने वाला है जो कि पबजी और जियो इंडिया में लेके आने वाले हैं। तो कल जो न्यूज आई थी ना कि इंडिया में पबजी मोबाइल बैन हो चुका है वो सही थी, ठीक थी, इंडिया में बैन होने वाला है पबजी मोबाइल और हमेशा के लिए बैन हो ही चुका है, पर इंडिया के लिए एक न्यू वर्जन आएगा जो कि इंडिया में चलेगा, दौड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो स्पेशल इंडियन वर्जन होने वाला है और उसके साथ जियो भी होने वाला है। तो समझ लो इंडिया में अब पबजी मोबाइल बहुत खेला जाएगा, जो न्यू वर्जन आने वाला है वो बहुत खेला जाएगा, वो कभी भी इंडिया में बैन नहीं होने वाला। तो हाँ गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो समझ में आई तो भी लाइक करना है, ठीक है? और इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, और जो भाई लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं ना तो कमेंट जरूर से करना, जिससे मैं पढ़ूं कौन कौन यार शेयर कर रहा है, कौन कौन मेरा रियल भाई है, तो शेयर जरूर से करना। तो हाँ यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कौन एक कमाल की वीडियो में।